हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडिया का बेस्ट रिएक्शन चैनल देव 2.0। मेरा नाम है देव, मैं एक रैपर और बीट बॉक्सर हूँ। सो फाइनली एक और रिएक्शन वीडियो के साथ मैं वापस आ चुके हैं। और बेला भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल बेला का एक गाना आया था गुड्डू की लालटेन, जो कि बॉलीवुड में आया था एंड मिलियन पार हो चुके हैं उस गाने के। उसी की खुशी में बेला ने आज एक और ट्रैक नया ड्रॉप कर दिया है और उस ट्रैक का नाम है हनी सिंह। सो नाम सुन के काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है। इज इट अ डिस, इज इट अ शाउट आउट, इज इट अ नेम ड्रॉप, या कुछ ऐसा हो सकता है कि हनी सिंह ने उनको बॉलीवुड में जगह दिलाई या गाना, जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन सारे सवालों के जवाब इस गाने में मिलने वाले हैं। गाने का नाम है हनी सिंह, देखते हैं क्या कुछ है। गाने में रिएक्शन दूंगा, एंड में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा कि मुझे गाना पर्सनली कैसा लगा, मेरे क्या विचार रहे गाने के बारे में। सो एंड तक वीडियो में बने रहना, मजा आएगा। और छोटी सी चीज़, इस चैनल पे हमेशा आपको ऑनेस्ट रिव्यूज, ऑनेस्ट रिएक्शंस मिलते हैं, बायस वाला कोई सीन नहीं है इधर। सो अगर आप लोगों को रिएक्शन वीडियोस पसंद है, ऑनेस्ट रिएक्शंस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। यार चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा रिएक्शन वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। कुछ है नहीं, ऑडियो होगा जहाँ तक। ये आंधियों से पहले वाली शोहरत थी, अब भी है तुझ पे मौका गो अल्लाह फॉर मी। नो बॉलीवुड की मूवी मेरी जिंदगी, मैं हनी सिंह बस अभी ऑन मारुति। भाई बेला ऐसा बंदा है ना, जो एल्बम का अनाउंसमेंट भी गाने में कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब हर तीसरे दिन गाना फेंक देता है बंदा। तो हिज सेइंग कि मैं हनी सिंह हूँ, मेरे गाने वायरल होने वाले हैं, बस अभी मैं मारुति पे हूँ, कुछ टाइम दो मेरे को। और समझो अगर मैं तीन दिन भी स्टूडियो नहीं जाऊंगा, बेसिकली एक रैपर का काम क्या होता है, गाना लिखना, स्टूडियो जाना, रिकॉर्डिंग्स करना। इस सेइंग कि अगर मैं 3 साल तक नहीं जाऊँ स्टूडियो या काम पे, तो भी मेरे गाने रेगुलरली आएंगे। या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अगर मैं 3 साल तक कुछ कमाऊँ ना, फिर भी मैं इतने गाने बना सकता हूँ कि मेरे गाने रेगुलरली आएंगे। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसका मतलब, ठीक है? तीन साल अगर काम पे नहीं है, तो भी एक दिन गाना मेरा आएगा भाई। मार्केट शुरू से थी मेरे हाथ में, अभी मैं कम बैक करूंगा तो फिर पास सही है। तुझे खौफ देखना है मेरे पास सही है, तुझे मेरे सिवा कोई नजर आएगा नहीं है, किसी को भी मेरे काम तक काम ना नहीं है। जब हिट हुआ हाथ तक मैं लाऊंगा नहीं, मैं मुझे गिरा हुआ प्रूफ करे आदि है, वाम आदि को लगे जो भी करूँ सब मैं सही है। मेरी पिक्चर मेरा मेन रोल, बाहर वाले बोले गाने करने को, मैंने बोला टाइम मेरा आने दो, पहले इंडिया पे काबू पूरा पाने दो, यही बना मेरी आर्ट। ओके, इस सेइंग कि मुझे इंटरनेशनल कोलैब मिल रहे हैं, बट आई सेड कि मुझे पहले अपना इंडिया में पूरा सीन बना लेने दो, मेरा इंडिया में पूरा कब्जा आने दो, उसके बाद हम इंटरनेशनल जाएंगे। और दूसरी चीज बेला, इस बाद में बोलूंगा अभी नहीं। झूठी तेरी ऑनेस्टी, पापा नो टालो मी, मम्मा नो डालो मी, अ प्रोडिजी, अगले 2 सालों में सभी से आगे मैं नो अपॉलॉजी, मैं रहूंगा सभी से छोड़ में सेना।
अनाउंसमेंट होगा रेडी। इतना लंबा गैप छोड़ने की क्या जरूरत है। बात कर लेते हैं गाने के बारे में, है ना। सो लेट्स चेक इफ माय, ठीक है चलो वर्किंग तो है। चलो बात कर लेते हैं गाने के बारे में कि मुझे ओवरऑल गाना कैसा लगा, मेरे क्या विचार रहे गाने के बारे में। सो तुम्हें पता है यार, बेला इज लाइक लिटरली अ हिट मेकर। उसके जो जो लिरिसिज्म है ना वो बहुत सही है। मतलब इवन तो इतने ज़्यादा गाने वो ड्रॉप करता है हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, बट तुम किसी गाने में ये नहीं बोल सकते कि उसका लिरिसिज्म कम हुआ है या उसका लिरिसिज्म ख़राब होता जा रहा है। मतलब वो हर बार ना हमें सरप्राइज़ करने से बाज नहीं आते। ऑल दो मेरे को इस गाने में कहीं ना कहीं, अगर मैं सच्चाई बता, सच मैं अपने दिल से बोलूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं इस गाने में लगा कि बेला ने वो अपना पूरा एफर्ट नहीं दिया। मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखा है, थोड़ा सा लूजली रखा है। मे बी इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि एल्बम आ रही है, सो एल्बम की हाइप थोड़ी सी, समझ रहे हो ना, मतलब होता है कि जो एल्बम के गाने हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, ओवरशेडो ना करें, इसलिए हल्का हाथ रखा। मे बी ऐसा हो सकता है, बट मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि बेला अपनी फुल इंटेंसिटी पे नहीं थे इस गाने में, ठीक है। बट हाँ, ऑल दो गाना बहुत सही है, बहुत कोई कमी नहीं है गाने में, बट वही वही एक छोटी सी चीज़ है कि ऐसा लगा जैसे नॉट फुल्ली इन टू इट वाला सीन था, है ना। बाकी मज़ा आया भाई, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया गाने को सुन करके। जो लाइंस काफ़ी इसमें काफ़ी सारी ऐसी मोटिवेशन लाइंस हैं कि मैं और लोग, मैं अभी काम कर रहा हूँ। बहुत सारे जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, जिनको जो असल में अभी लगे हुए हैं, जिनका जिनका अभी समय नहीं आ रहा बेसिकली, अपना टाइम आएगा वाला सीन हो रखा है, तो उनके लिए ये गाना ना बहुत ज़्यादा लाइक रिलेटेबल गाना है। वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि मैं अभी कर रहा हूँ बट मेरे को वो चीज़ मिल नहीं पा रहा है, जब मैं कर लूँगा तो मैं फिर मतलब नहीं है मेरे किसी से, आई एम गोना टर्न माई मारुति इनटू लैमोसिन। सो वो वाला सीन है ना, सभी को मोटिवेशन देते हुए चल रहा है कि मुझे भाई कुछ ना कुछ तो करना है। एंड वो वाला सीन कि 3 साल तक भी अगर मैं ना कमाऊँ तो भी मेरे गाने आ सके, मुझे वो चीज़ कमानी है। तो अंदर से तुम्हें मोटिवेशन मिलती है कि जब एक बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो भी तो हम जैसा था हसल में जाने से पहले। बेला को आई गेस मैंने सुना था, एक दो गाने सुने थे लाइक जिंदगी और एक कौन सा था, हैप्पी बर्थडे जिंदगी था एंड यू नो मी बेटर, ये दो गाने मैंने सुने थे बेला के बहुत पहले, ठीक है। उसके बाद से मैं उतना था भी नहीं उस समय जब, मतलब रैप वगैरह में, बट ऑल दो उस समय से सुनता आ रहा हूँ। सो मैंने देखी है भाई बेला की पूरी ग्रोथ देखी है मैंने, कहाँ से कहाँ जाते हुए देखा है मैंने, ठीक है। और अभी तो प्लेलिस्ट में बस बेला ही बचता है ज़्यादातर, तो चलो ये वाला गाना भी ऐड कर लेंगे प्लेलिस्ट में। मिलते कैसा लगा गाना आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट फ्रेंड्स।